नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थ्री के विद्यार्थियों के लिए थिंकर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कौन से थिंकर्स हमको इस साल पढ़ने हैं, अगस्त कॉन्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल गर्की, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इन सभी के बारे में हम कुछ कुछ जानकारियाँ पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं। आज हम कार्ल मार्क्स का थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, या उसको हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल का जो सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी, मैं बच्चों बोल रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसके लिए कार्ल मार्क्स ने क्या समझाने की कोशिश करी है? कार्ल मार्क्स ने बताया, जब हम इसको सबसे आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने क्या समझाया, पहले तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास दिया, वर्ग का क्या, वर्ग की क्या अवधारणा होती है, और फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हर दौर में दो वर्ग रहे हैं, है ना, कौन से। कार्ल मार्क्स की एक बहुत फेमस पैम्फलेट, किताब आप कुछ कह सकते हैं, है, उसका सबसे पहला जो प्रिफेस होता है उसमें पहला सेंटेंस है, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज हैज़ बीन हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, अर्थात अभी तक जो भी सोसाइटीज़ की हिस्ट्री रही है उसमें हमेशा दो क्लासेस रही हैं। कौन सी दो क्लासेस? मूल रूप से हम कह सकते हैं कि एक तो एक्सप्लॉइटिंग क्लास, एक एक्सप्लॉइटेड क्लास, है ना। दो क्लासेस कौन सी? एक वो क्लास जो कि शोषित करती है तथा दूसरी वो क्लास या वो वर्ग जिसका शोषण होता है। मैं दोबारा बताती हूँ बच्चों, दो क्लासेस कौन सी रही हैं? एक वो वर्ग, दो वर्ग कौन से रहे हैं? एक वो वर्ग जिसने हमेशा दूसरों का शोषण करा है, दूसरा वो वर्ग जिसका शोषण किया गया है। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड, एक वो लोग जिन्होंने दूसरों को एक्सप्लॉइट किया है और दूसरे वो लोग जो एक्सप्लॉइट हुए हैं। अब सवाल ये है कि किस तरीके से या कौन से दौर में कौन से ये दो वर्ग रहे हैं। जैसे हम चालू करें प्रिमिटिव सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी एंड मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो सबसे पहले हम देखें प्रिमिटिव सोसाइटी में दो वर्ग रहे, एक तो आप कह सकते हैं मास्टर्स एंड स्लेव्स, है ना, मास्टर्स एंड स्लेव्स मतलब मालिक और दास। पहले के टाइम में यदि आपको थोड़ा बहुत कुछ हिस्ट्री भी आपने पढ़ी हो तो ये आइडिया रहा होगा बच्चों कि मास्टर्स मतलब जिन लोगों, जो लोग ऊपर की क्लास के लोग थे, है ना, और स्लेव्स मतलब जो कि दोज हु वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो मास्टर्स का भी एक रुतबा रहता था
अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्लेव्स दे ओन. यदि मेरे पास बहुत सारे स्लेव्स हैं तो मैं बहुत बड़ा, मान लीजिए कोई मेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा है या बहुत ऊंचा है. तो मास्टर्स एंड स्लेव्स ये दो क्लासेस रहती थी एंड मास्टर्स दे एक्सप्लॉइटेड स्लेव्स. इसी तरह से हम फ्यूडल एरा की बात करते हैं. सामंत शाही जब थी, सामंतवादी समय के अंदर कौन सी दो क्लासेस थी? फ्यूडल लॉर्ड्स एंड लैंडलेस लेबरर्स. फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब सामंतवादी एंड लैंडलेस लेबरर्स मतलब जो मजदूर जिनके पास कुछ भी जमीन भी नहीं थी, वो बिल्कुल भूमिहीन किसान थे एक तरह से. तो दो क्लासेस फ्यूडल एरा में, फ्यूडल पीरियड में थी, लैंडलेस लेबरर्स, दोज हु वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स. तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो लैंडलेस लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करते थे. तो ये दो क्लासेस सामंतवादी पीरियड के अंदर, सामंतवादी जो दौर था उसमें थी. उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी. जो मॉडर्न समय में दो क्लासेस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये दो क्लासेस हो जाती हैं प्रोटेस्टेंट एंड बुर्जुआइज एंड प्रोलिटेरियंस, है ना. बुर्जुआइज इज द रूलिंग क्लास एंड प्रोलिटेरियंस आर द वर्किंग क्लास. तो अगेन रूलिंग क्लास ऑलवेज एक्सप्लॉइट्स द वर्किंग क्लास, ठीक है. तो बुर्जुआइज जो हैं वो प्रोलिटेरियट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं. अब देखिए हर दौर में एक चीज़ें होती हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और एक होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. यदि हम बात करें सबसे पहले मास्टर्स एंड स्लेव्स की, तो हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो कि रूलिंग क्लास के पास नहीं है और वर्किंग क्लास के पास है. तो दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज, है ना, अपना काम करते हैं. दूसरा, लैंडलेस लेबरर्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, उसमें क्या चीज़ आ जाती है? लैंड. जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं दे ओन लैंड, उनके पास ज़मीन है. और लैंडलेस लेबरर्स के पास दे डू नॉट ओन एनी लैंड. इसी तरीके से यदि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, बुर्जुआइज एंड प्रोलिटेरियट्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कैपिटल, जो बुर्जुआइज हैं उनके पास कैपिटल है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटल दे एक्सप्लॉइट द अदर क्लास. अब क्या होता है बच्चों, एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट करती है और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वर्किंग क्लास जो है वो रूलिंग क्लास को ओवरथ्रो कर देती है. और जब वर्किंग क्लास रूलिंग क्लास को ओवरथ्रो कर देगी तो एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी. और मार्क्स का क्या सपना था? कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए. तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट करती है और एक समय ऐसा आता है जब उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द रूलिंग क्लास. ये एक उनके अंदर ये चीज़ जाग जाती है कि उनका शोषण हो रहा है और इसके लिए वो
जो रूलिंग क्लास है उसका तख्ता पलट कर देते हैं या उसको ओवरथ्रो कर देते हैं, एंड देन वी कैन हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, एक ऐसी समाज जहाँ पर कि क्लासेस नहीं होती हैं। तो ये मार्क्स का कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल का है। थैंक यू।